परमेश्वर के अधिक पवित्र नाम की स्तुति हो। और एक प्रभु दिवस के मध्यान समय के बाद प्रभु चरणों में किता होने और उसकी स्तुति आराधना करने का सुंदर अवसर परमेश्वर की कृपा से हमने पाए हैं, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रयासों का धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अनेक विषयों के बीच में इस कड़ी धूप में ही अपने आप को प्रभु भवन में लेकर आए। प्रभु आपको बहुत आशीर्वाद। मैं आप सब का स्वागत भी करता यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर का पवित्र प्रेम। सारे गीत को गलत गाने वाला मुझको आपने देखा है, बहुत अच्छी तरह गाने वाले हमारे बच्चों को भी देखा है। अब यहाँ पर गायक वो बैठा है, आपने शरण तो देखा होगा वो गीत गाते हैं, लेकिन आपने कभी देखा नहीं वो गिटार बजाते हैं। आपने कभी कभी नहीं गाया है, अभी गिटार लेके बाहर आने तो मैं आपसे कोई के पास है हस्बैंड के पास है तो मॉरी इधर है गिटार के इधर। हाँ तो इधर लेके आना। हाँ हाँ तो सालों गिटार बजाए। अरे लेके आना सालों लेके आना प्लीज तो लेके आना। सालों बजाएगा वो तो बजाए चलेगा। धन्यवाद पवित्र किए जाए परमेश्वर की विश्वास किया उसको परमेश्वर ने अधिकार दिया परमेश्वर का बेटा और बेटी बनने का। अपने आप को ऑटोमेटिकली कोई बनता नहीं है, बनने का तीखा किया गया। जो चाहे वो पुत्र बन सकता, पुत्री के नाते जी सकता, ये प्रभु का प्रभु की ओर से दिया हुआ बहुत बड़ा एक अनुग्रह है। ये बात हमने देखा, लेकिन हमने अपने आप को यह याद दिलाया जब हम पुत्र बनता पुत्र के समान जीता पुत्र के समान बातें करता। यीशु ने कहा मैं तुझको अभी दास करके नहीं बुलाएगा, मैं तुझको पुत्र से भी बढ़कर मित्र नहीं है, पुत्र पुत्र के समान बातें करना चाहिए। पुत्र के चाल चलन पुत्र के समान होगा, पुत्र ऐसे बातें करेगी जैसे पुत्री बात करनी चाहिए, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें आह्वान देता है। हम आज बाद में एक वचन पढ़ने का प्रयास किया, नहीं किया था वो था 97 में हिंदी में क्या कहता 97 कहते हैं कुछ लोग जो भी है 97 पढ़ा था ना, इसे मुझे लगता मैंने तो मार्क नहीं किया 97 नहीं होगा इसे मुझे याद रखता कि क्या मुझे लिखे रखा नहीं है। 97 से हमने कुछ वाक पढ़ने का प्रयास किया, 7 से हम पढ़े थे पूरा नहीं पढ़ाता नहीं है। वो वहां एक आवाज सुनाई दे रहा कि देश देश के कुल के लोग ये होमवर्क पूरा अनुवाद करो नहीं सॉरी 7 से जितने पूरी हुई मूर्तियां की उपासना करते हैं वो मूर्तों पर फूलते हैं वे लज्जित हो सब देश आओ तू उसी के दंडवत करो। परमेश्वर का दास चिल्ला चिल्ला कर गर्जित कर कहता है सारी देवताओं से कहता है हमें परमेश्वर के मंडली में आए हुए लोगों से नहीं बात करता, अंतकार की शक्तियों से बात करता वो नहीं है, दुष्ट आत्माओं से बात करता, मुझे डराने वाली ऐसे शक्तियों से बात करता, मुझे बंधन का दीन करने वाली ऐसे दुष्ट आत्माओं से बात करके कहता आओ यीशु के चरणों में आके गिरो। ये शब्द सुनकर सियोन तुम्हारी अति आनंदित होती है। आमेन। परमेश्वर के जब आराधना करते चलता है वाद बजाते उसके कारण
नहीं, कुछ लोग परमेश्वर के सिद्ध लोग बेटा के तरह बातें करता है, हमें भूत डराता है, अंधकार की शक्तियां डराता है, बीमारी तड़पाता है, रोते हैं, रोदन 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 अगर प्रार्थना है, कुछ लोग उसमें खड़े हो जाकर कहते हे शक्तियों हे पर्वत आके गिर यीशु के चरणों में, यीशु के सीओ तुम्हारी आराधना होती है, चिल्ड्रन विल स्टार्ट स्पीकिंग लाइक चिल्ड्रन नाउ, बच्चे लोग बच्चे के समान बात करेंगे, नौकर की तरह बात नहीं करेंगे, नौकर की तरह रोएंगे नहीं, नौकर की तरह हाथ फैलाएंगे नहीं, वारिस की तरह आमेन संतान खड़े हो जाते, इसलिए सियोन आनंदित होता है, सियोन बड़े खुश हो जाता है, नहीं है? और सियोन इतना भी कहता है ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये सिर्फ दुष्ट आत्माओं से नहीं, मैं बात करता ये परमेश्वर के लोगों, आमेन तुम भी उसकी स्तुति आराधना करो, और मैं कहूंगा इसलिए करो कि तुम्हारे लिए लाइफ हैज बीन सोन, आशीष का बीज बोया गया है, आमेन। कुछ दिखाई नहीं देता लेकिन कुछ लोग कलीसिया में होनी चाहिए, परमेश्वर के पुत्र समान कुछ लोग होनी चाहिए, हर झुंड में कुछ लोग खड़ा होना चाहिए, हर एक हो जाना चाहिए, ऐसे जीवन से कहो जो गिर पड़ा, ऐसे जीवन से कहो जो सूखा पड़ा, ऐसे जीवन से कहो जो आशा छोड़कर बैठे, ऐसे जीवन से कहो बीज बोया गया है, the seed for life has been sown, soon and very soon you will find it growing up and yielding fruit, ऐसे संतान बात करते, इसलिए प्रभु चाहते अपने झुंड में परमेश्वर की कलीसिया में संतान खड़े हो जाए, पुत्र और पुत्रियां खड़े हो जाए तो सही शब्द कहे, let the sons and daughters be heard, सुनाई दे, दिल की विचार नहीं है, दिल का सोच नहीं है, let it come out of your mouth, ऐसे हमने आज प्रभात में सुना, प्रभात में देखा, आगे बढ़कर हम और भी पद पढ़ने का प्रयास किया, नहीं हम लोग उसमें से 98 भी पढ़ने का प्रयास किया था, कुछ तो पढ़ा नहीं, और कहते कि ये पैसे खुशी का गीत गाओ, सारे वादी को बचा, चुप मत बैठो, आए चुप मत बैठो, क्योंकि उचित यीशु मृत्यु के ऊपर जय पाकर यीशु मुझको और आपको उसकी बेटे और बेटी बनाना चाहता, इसलिए कहते मेरे साथ तुम भी गाओ, सारे चीज गाओ, पृथ्वी गाओ, मैं पृथ्वी के सारी चीज गाओ, समुद्र गाए, पर्वत गाए, सब लोग प्रभु की महिमा करो, मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं आह्वान देता रहूंगा, कोई सुने ना सुने, कोई मेरा आदर करे ना करे, मैं पुत्र हूँ तो पिताजी के लिए मैं बात करूंगा, पिताजी के हृदय की बात करूंगा, हमने सोचा कि इतने अहंकार की बात क्यों करते हो, इतनी चिल्लाते क्यों हो, चुपचाप अपने कमरे में बैठ के रो के आंसू बहाते हुए प्रार्थना करते रहो, लेकिन परमेश्वर कहता तुम बेटे हो, मेरे भीतर मेरी आत्मा है, उसकी कलहरा बाहर आने दे, तुम मुंह बंद करके बैठोगे मेरी आत्मा की वाणी दुनिया नहीं सुनेगा, अगर तेरे चित्त में मेरे वचन को मैंने सौंप दिया है, तेरे हृदय में मेरी आत्मा अर्थात मैं वास करता हूं, लेट मी स्पीक, लेट मी बी हर्ड, व्हेन यू आर हर्ड आई विल बी हर्ड सेज द लॉर्ड, इसलिए कहते कि आप बात करोगी, you will be heard, you will make yourself heard, amen, you will so speak for the world to attend, for the world to listen to, अब आगे बढ़कर आज प्रभात अर्थात यहाँ 116 वचन पिछले दिन भी ये पढ़ा था, आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं, यहाँ नेगेटिव मार्क नहीं है, देयर इज नो नेगेटिव मार्क, माइनस मार्क इधर नहीं है, उसके कारण कोई तकलीफ की कोई बात नहीं है, वो सोलह आप जाके देखेंगे तो शायद लिखे भी रहता होगा कि आपने पढ़ा था करके, नहीं है, परमेश्वर के दास परमेश्वर के प्राण से भी बात करता है, सातवां वचन में पढ़ता है रिटर्न ओ माय सोल टू योर रेस्ट, ऐसा आपको वचन में लिखा है, हे मेरे प्राण तू अपने विश्राम स्थान में तो प्रभु उठता, कौन बात करता, मेरे भीतर की आत्मा मुझसे बात करता, लेट द स्पिरिट स्पीक लेट इट बी हर्ड, अबे कैसे वो सुनाई देगा जब मैं मुंह खोलूंगा तो पवित्र आत्मा की आवाज मेरा प्राण सुनूंगा, अबे सुनेगा, इसलिए मुझे बातें करना है, मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं अपने हाथ से बात करूंगा, अबे
बोलते रहो बोलते रहो। प्रभु को कहो यू डिलीवर माय सोल, तूने मेरे प्राण को मृत्यु से और मेरे हाथ को आंसू बहाने से और मेरे पैरों को ठोकर खाने से बचाया है। हृदय का सोच नहीं है, मैं मुंह से बोलूंगा। प्रभु तू सुन ले, अबे तूने जो भी किया आई एक्नॉलेज इट, मैं आई एक्नॉलेज ऑल दैट द लॉर्ड हैज डन फॉर मी इन फ्रंट ऑफ ऑल हिज एंजल्स एंड ऑल द होस्ट ऑफ द इविल वन। दुश्मन के सारे सेना के सामने और परमेश्वर के पवित्र दूतों के सामने मैं कबूल करूंगा, प्रभु ने इतना कुछ मेरे लिए किया है। I have not been left barren, प्रभु ने मुझको ऐसा ही खाली हाथ नहीं छोड़ा है, प्रभु ने मेरे लिए किया है। मैं परमेश्वर सुन के बात करूंगा, मैं दुश्मन सुन के बात करूंगा, मैं देवताओं के सामने बात करूंगा, मैं मेरे प्राण से बात करूंगा, मैं चुप नहीं बैठूंगा और मैं अपने आप से कहूंगा I will walk before the Lord, मैं परमेश्वर के सम्मुख चलता रहेगा। कौन मुझे रुकाएगा? कोई नहीं मुझे रुकाएगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपने आप को छुपाऊंगा नहीं। हमें मैं परमेश्वर के सरदार हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं ये बोलता रहूंगा। अबे I will never be a silent witness anymore, I will never be a secret disciple anymore, मैं चुपचाप रहने वाला एक परमेश्वर का चेहरा नहीं बनूंगा। अबे वो मन में कहने के लिए वाला परमेश्वर का बेटा मैं बनकर नहीं रहूंगा। आमीन। कहता मैं क्या कर, मैं कतरी दूंगा, मैं कतरी दूंगा, क्योंकि तूने मुझको उद्धार दिया है। हमें बाकी लोगों को बस बहुत कुछ होगा, मेरे पास कुछ ही है, तो भी मेरे पास उद्धार का कटोरी है, वो काफी है। दिन वो दिन प्रभु के हाथ में अवस्थित करने के लिए कटोरी में ले लूंगा। अब मैं कहूंगा बाकी लोगों की तरह नाराज होकर मैं नहीं कहूंगा तूने मुझको क्या दिया, मैं अपराध की तरह नहीं पूछूंगा, मैं बोलूंगा तूने उद्धार के कटोरी मुझको दिया है, वो लेकर मैं आराधना करूंगा। कोई भी पूछेगा पागल की तरह क्यों चिल्लाते हो, जानकारी नहीं पाया, प्रमोशन नहीं मिला, बेटी का शादी नहीं हुआ, बेटे को अमेरिका का वीजा नहीं आया, क्यों करते हो? बोलो वो उद्धार की कटोरी है। मैं सरदार बन चुका हूं, मैं बेटा हूं, मैं बेटी हूं, इसलिए इसलिए और मैं चुपचाप मेरे मेरे घर के भीतर प्रार्थना करने वाला नहीं है, वो मैं करूंगा। मेरे लिए प्रार्थना करो तो मैं भी कर सकूं, आपको करता है। प्रभु ने कहा इसे प्रार्थना करो, लेकिन मैं सारे लोगों के सामने मेरी मन्नतों को पूरा करूंगा। आई विल प्रेज, हालेलुया, आई विल वर्शिप, आमेन, आई विल स्पीक इन फ्रंट ऑफ ऑल द सेंट्स, आमेन। शिमोन कहेगा वो वेश्या की बोल लेते हैं, दूसरा कहेगा ये बंदी तोड़ने की क्या आवश्यकता है बोल लेते हैं, तीसरा बोलेगा इसको कोई तो गरीब लोगों की कोई चिंता नहीं है बोल लेते हैं, मैं चुपचाप नहीं रहूंगी, मैं मेरी बंदी पब्लिक में छोड़ूंगी और आराधना करूंगी। मैं बेटा बन जाएगा, इसलिए कहता है प्रेज द लॉर्ड ऑल द नेशंस, प्रेज द लॉर्ड ऑल द नेशंस, इसका चाहत वो है अकेले में नहीं, अभी शी हैज कम टू द पब्लिक स्क्वायर। अबे शबरी की नारी को देखो, अबे यीशु को मिला, यीशु से मिला, यीशु के कारण धार आया, यीशु ने गलतियां माफ किया, मेरी शबरी की नारी अब शहर में जाती है। अबे शहर वाला चाहिए उसका आदर करने के लिए नहीं है, नहीं बैठ सकता उद्धार की कटोरी हाथ में, मैं पब्लिक में मेरी सारी मदद दे
संतों के बीच में मैं पूरा करूंगा। बहुत सारे बने वहां लिख देता है उतने सब पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता एक एक वचन पढ़ के आगे जाने को। अगर आपको सहायता करना है तो आप कर भी सकता। ये थोड़ा नौ में से शुरू करता हूँ। एक एक वचन पढ़ने का मेरा हृदय का विचार था, लेकिन अभी वचन पढ़ने के लिए ऊंचे स्वर में पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग दिखाई नहीं देता। राजकुमार जी तो तैयार होके बैठा है तो पढ़ सकता है, लेकिन मैं उसे ज्यादा पढ़वाता नहीं, प्रकाश भाई से भी ज्यादा पढ़वाता नहीं, क्योंकि लोग लंबा पढ़ने वाले लोग हैं भैया। इसके लिए जितना हो सकता मैं परमेश्वर में मेरे पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, सारे आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेगा भैया। तब क्या होगा मन में? तब मेरे शत्रु पीछे हटेंगे। अबे जब तक दिल में विश्वास रखकर घूमता, आशा रखकर घूमता, दुश्मन पीछे नहीं हटता। इसलिए परमेश्वर की आत्मा का आह्वान है, मुंह खोलो, कुदी करो, अबे आराधना करो, शैतान के सामने कहो, देवताओं के सामने छिड़ो, तो दुश्मन हट जाएंगे। ऐसा प्रभु का वचन कहता नहीं है। मैं बीच में जाना है नहीं जाना है, एक ही वचन पढ़ना, नहीं पढ़ता तो चल जाता हूँ, फिर भी मैं पढ़ूंगा। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे, अपने परमेश्वर के नाम से झंडा खड़े करेंगे। अभी ये सिर्फ गीत गाने की बात नहीं है, अरे विजय का झंडा ऊपर उठाते हुए आप सारे देवी देवताओं के सामने, सारे ईश्वर के सामने, जो मुझे बिठाने पर था, मुझे गुलाम बनाने पर था, तेरे खुशी चीनने वाले वाला था, मुझे नाराज करने वाला था, पुत्र और पुत्री कहता है। बारिश में आते तो वो यीशु का भजन है, वो यीशु का भजन है। मैं वहां ज्यादा जाना नहीं चाहता, कई दिन हम उसको पढ़ के आया है। यीशु कहता मैं भी चुप नहीं बैठूंगा, महासभा में, महासभा में मैं तेरा गुणार वाद, तेरी करुणा के बारे में मैं बोलूंगा। क्रूस पर भी मैं चुप नहीं बैठूंगा, हाथ में क्रूस पर लेते लेते मैं मेरा मुख खोल कर कहूंगा, हे पिता इसे माफ कर, उसके कारण मैं बच गया, उसके कारण मेरे पापों की क्षमा हुआ। क्रूस से उसने चिल्ला चिल्ला कर मेरे लिए प्रार्थना किया। यीशु ने अपने मुंह को बंद करके नहीं रखा, उसने स्वर्ग में पिता परमेश्वर के हृदय की इच्छा को देखा। उसने चिल्ला चिल्ला कर कहा, मैं तेरे हृदय की इच्छा को जानता हूँ, मैं आता हूँ, बलि से कुछ नहीं होता, बलि चढ़ाने से कुछ नहीं होता, व्यवस्था का आचार करने से कुछ नहीं होता, ये मैं जानता हूँ, इसलिए मैं आता हूँ। यीशु ने कहा मैं आता हूँ, नहीं है यीशु कहा मैं आता हूँ, बोले की क्या जरूरत है, स्वर्ग को मालूम था, दूतों के सामने बोलो, शैतान के सामने बोलो, मैं आता हूँ, मैं करता, मैं आता हूँ, परमेश्वर का बेटा आता हूँ। भैया उसने जो भी बोला उसका उत्तर हुआ, उधर लिखा है उसने मेरी बिनती सुन लिया, उसने उत्तर भेजा। अबे चिल्ला चिल्ला कर कहा, क्रूस पर चिल्ला चिल्ला कर कहा, सब कुछ पूरा हो गया, सब कुछ पूरा हो गया, धरती कांपने लगा, भूकंप हुआ, कब्रे खुल गया, पवित्र लोग जीवन पाया, परमेश्वर का पुत्र की वाणी से कब्रे खुल जाएगा, तेरी करुणा कैसी अनमोल है, मनुष्य तेरे पंखों तेरी शरण लेता,
वे तेरे भवन के चिकने चिकने भोजन से तृप्त होंगे। तू अपनी सूखी नदी में से उन्हें पिलाएगा। ये बात मैं बोलता रहूंगा, परमेश्वर को याद दिलाता रहूंगा, परमेश्वर को स्मरण दिलाता रहूंगा। अबे हृदय तेरे दाह ज्ञान उन्होंने पाई बात करिए बोल छोटी चीज है। आज बात नहीं कहा
प्रभु आप किसी से एक महान कार्य कराना चाहता तो वो व्यक्ति को भीड़ से अलग कर देगा। आज इसे प्रभु ने अनेक लोगों का मेरे सामने लेकर आया और कहा इनको मैंने अलग कर दिया, दे वर ऑल ओनली इन इनवर्टेड कॉमास अलोन विद द लॉर्ड। अब्राहम को उसने बाहर बुलाया, नहीं है, नहीं है, मूसा को उसने अलग कर दिया, अलग कर दिया, यूसुफ को अलग कर दिया, प्रभु को कार्य करना है, नहीं है, पत्थर छोड़ दिया, नहीं है, एलिशा छोड़ दिया, एलिया कहां से आया, वो भी नहीं है, उसका मां बाप का एड्रेस भी नहीं है, वो तीसवीं नामक कहां से आ रहा है और कुछ नहीं बताया गया है। You have no connections whatsoever in the world. But you are with the Lord to stand as the greatest majority. Saab se zyada bahumat lekar khada rehna chahte ho, Yesu ke sath khade ho jao. Abraham kehta hai tum yahan baitho, hum jaakar aaradhana karke hum wapas aayenge, hum wapas aayenge, amen. पवित्र आत्मा की वाणी है, वहां अब्राहम की वाणी नहीं है, पवित्र आत्मा ने उसको कहा तेरे ये संतान के द्वारा सारे वंशी के लोग आशीष पाएंगे, तुझे में आसमान की तारे समान है और जो नीचे रेती के जो रेती के खान के समान संतान दूंगा। अरे उसने वो प्रभु की वाणी को अपना मुंह से आने दिया कि लड़का पूछता आग है चाकू है अब्राहम यू नीड द राइट थिंग नॉट टू कैरी ए लैम्प। अच्छा किया हो, अच्छा किया, वो सोचता भी होगा ये वायदा का संतान है इसको प्रभु काटने नहीं देगा, अगर प्रभु काटने को नहीं देता मैं एक भेड़ को लेके जाता। अच्छा किया, He doesn't want you to choose a lamb. कुछ लोगों के समझ में आएगा, सबको समझ में नहीं आएगा। Amen. But He is the provider. Amen. He doesn't expect you to carry your lamb and ask Him to bless it. Amen. Amen. अब चलो ना। He is the provider. Amen. The mountain of God. Amen. उसने कहा, इस पहाड़ को मैं निकालूँगा। वहाँ तू चलो। On the mountain of the Lord is shall be provided. Dearly beloved, the Lord has called me to walk a lonely path. Keep on saying with Abraham, in the highest and loudest tone possible, it shall be provided. Abraham, what kiya? Musa ko kehta, bata. Musa ko kehta. मैंने तुमको फिर के लिए ईश्वर बनाया है। yes. तुम बोलोगे तेरे मन की बात नहीं कहोगे, तुमने पहले उसे सब किया, मन की बात किया, नहीं झगड़ा मिटाने को देखा, सारे चीज में पराजय है। अभी देखता जो बच्चे मेरे तेरे हृदय में डालेगा वो तुमको दिखाएगा, वो तुमको दिखा। अगर मुझे बोलना है मुझे पता है, yes. मुझे पता है, मुझे बोलना है, मुझे पाना है। मैं ये गलती करता बिना कुछ पाकर कुछ भी बोल देता, दिल की बात मन की बात कर प्रभु नहीं चाहता, संतान ऐसे बातें नहीं करता। I am not in the gossiping business. I am not in the business of spreading rumors. I am not in the business of speaking according to my imagination. I must listen to him and I will speak what he asked me to speak. जो मैं तुझे आज्ञा दे रहा वो तू बोलेगा, वो तू बोलेगा। भैया प्रभु कहता तू मेरा संदान है, तू मेरा मित्र है,
परमेश्वर का मित्र है, मित्र परमेश्वर का बात करेगा, परमेश्वर सब बात करेगा। अगर शैतान के सामने, दुष्ट शक्तियों के सामने, अंधकार की शक्तियों के सामने तू हे भगवान हे परमेश्वर मेरी सहायता कर ऐसे चिल्लाने वाला नहीं है, अधिकार से हाथ करेगा, हट जा उसे। हालेलुया। परमेश्वर पिता यदि तू करोगे नहीं है आगे बढ़कर अपनी और भी कुछ कहता आपको नहीं जाना आपको नहीं जाना। कोई रोता प्रभु कहते प्रार्थना बंद कर देगा, वो आंसू बहाता वो आंसू पोंछ चले तेरा, ये सब नाटक का भी नहीं चाहिए। तू संतान है तो प्रार्थना करना पाप है, कभी कभी पाप है, कभी कभी पाप है। प्रभु ने जो एक कार्य किया उसको पूरा किया, उसके लिए प्रार्थना करता उसका मतलब है वो असमर्थ है, उसको परफेक्ट काम करने नहीं आता। मूसा को कहा चुप बैठो, मेरे लोगों को बुलाया, पिछले दिन अपने सुना चाकर काटने को मैंने कहा नहीं है, थोड़ा इतने आगे जाने का मत पीछे हटने को किसने कहा कि तेरे जमाने में ब्रिटिश लोगों की टैक्स का वो ऐसे जनरल का टैक्स नहीं भारतीय लोग है ना पीछे के वो अभी सब नहीं होता जिन्हें जमाने के ऐसे पीछे से ऐसे ऐसे पैर देख के ऐसे 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 जाते उसके बाद में ऐसे 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 पीछे आते वो लैंड से देखता लैंड से देखता है ऐसे इन लोगों से ना अच्छा है ना अच्छा है वाला मिशन में आगे बोलो पीछे मुड़ नहीं सब पीछे घुमा है किसके लिए दुश्मन को आकर्षित करने के लिए। तुमको चक्कर खाए तुम चक्कर खाए का था प्रभु ने कुछ समय के लिए देख लिया दुश्मन आए उसका गर्दन तोड़ गर्दन 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 प्रार्थना सब बंद करो आंसू बहाने सब बंद करो खड़ा हो जाओ तो पुत्र हो अधिकारी हो तेरे हाथ में लाठी मैंने क्यों पकड़वाया मेरे जन को चलाने के लिए तुझको मेरे चरवाहा के रूप में क्यों बिठाया नियुक्त किया। तू रोते हो खड़े हो जाओगे आज्ञा दी सबके पास जाके बेटे बेटी प्लीज मेरा सुनना यार प्लीज तेरा चाहिए के लिए करता हूँ बेटे प्लीज ना मेरा दिल बहुत दुख रहा है मेरे सर तुम खाद ना तू चलो उनके एक एक करके थोड़े थोड़े धीरे धीरे चलो बोले आज्ञा दो अबे आगे बढ़ने को कहो अबे जिसके इतना बड़ा पेट है मेरा समझ नहीं वो बेट से उसको भी बोलो आगे बढ़ने भुट्टा मेरा शरीर का उससे भी भुट्टा लोग दुनिया में है वो भी उसमें था उनको भी बोलते आगे बढ़ने को कहो आज्ञा दे नहीं है तू आज्ञा मांगे तू महान है उसके कारण नहीं तू अति पवित्र पुरुष है उसके कारण नहीं तू सबसे बड़ा धर्मी है उसके कारण नहीं प्रभु की आत्मा तेरे भीतर चल रहा है इसलिए आज्ञा दो आगे बढ़ने को कहो आप बात करोगे आप भूख करोगे आप आज्ञा दोगे लोगों को आगे बढ़ाएंगे यीशु के नाम में आमेन हमें कहां जाना भिंती में जाना है भिंती का पुस्तक है मेरू में मेरे मेरू में भी है कहां जाना भिंती में छठवें अध्याय में जाना वो जल्दी जाऊंगा छठवें अध्याय में से क्या पढ़ना है कहां से पढ़ना है देवी से पढ़ना है ठीक है देवी पहले है तो लिखता वो जल्दबाज में मैंने लिखता तो कुछ कुछ बच्चे को भी नहीं सकता स्पीक यू अराउंड दिस सांस नहीं है उसको क्या कहना पता है तुम आशीर्वादित करोगे परमेश्वर का जन्म मुक्त रहेगा नहीं आशीष की बात तो कहेगा नहीं है क्या है यहोवा तुझे आशीष दे तेरी रक्षा करे तू बोले बात पवित्र आत्मा का आपको आना है यह हाथ दुनिया में सबसे पवित्र हाथ है जब पवित्र आत्मा के निर्देशन पे ये काला हाथ ये बेकार हाथ ये मलिन हाथ को उठाता
परमेश्वर के तहीं हाथ रखता। हालेलुया। इसलिए वहां लिखा है तुम पुत्र है, परमेश्वर के जन है, आमेन, याचक है, राजमंडलारी याचक है, तू मुख रखे, दिल में प्रार्थना करना आशीष देने की बात होती है, आशीष मुंह से दिल में नहीं है, नहीं है, इस रीति से तो मेरे नाम को इस्राएलियों पर रखे, क्या करते हो, परमेश्वर का महिमा नाम, yes. आमेन, परमेश्वर का दास हर एक ऊपर रखता है, उसको कहा गोलियात मैं आता हूं, आओ परमेश्वर
ऐसे चीज के लिए प्रार्थना करो जहां प्रकट रूप में शैतान की प्रभाव नहीं है, जहां शैतान के प्रभाव में डाको छुटकारा दो, दया मत दिखाओ, करुणा मत दिखाओ, यीशु ने वही किया। आमेन। पतरस की सास मां अगर दूसरी तरफ पीड़ित थी, यीशु आंसू बहा था जैसे मार्था मरियम के लिए किया था, लेकिन उसके ऊपर वो रोग के ऊपर प्रभुता करने वाले दुष्ट आत्मा को देखकर यीशु ने डांटा, डांटा। आमेन। उसने फरिश्ती को देखकर लोगों को नहीं कहा कि तुम लोग तीन को उपवास करो, क्योंकि प्रभु ने उसको लड़ाई का मैदान में बेचा है, दुश्मन को हराने के बाद दुश्मन हराया गया है। यही बात उसने उसका मुंह से निकाला, मैं तेरा गला काटूंगा, हमें पक्षी को, आसमान के पक्षी को और जंगल के प्राणियों को, हमें पशुओं को मैं तेरा शरीर खाने को दूंगा। देखा है उसने, आत्मा मत कर रहा है, यह अभिषेक अन्य भाषा में छुपाने के लिए नहीं है, यह अभिषेक ऊंचे स्वर में प्रार्थना करने के लिए सिर्फ नहीं है, यह अभिषेक कर लिया राजा से ऐसे बातें मत कर, साढ़े तीन बरस से बरसात का एक फंड नहीं गिर रहा, लेकिन एलिय्याह जो आहाब राजा का सबसे बड़ा दुश्मन है, 450 नहीं बाहर के भविष्यकर्ताओं को पुजारियों को खास कर बैठा है, आहाब को कहता तू जल्दी जा, बड़ी बारिश होने वाला है। When you have seen it, you will speak it. When the Spirit of the Lord has spoken it, you will repeat it. जो पवित्र आत्मा ने बात किया तो आप दोहराओगे। कहता देखो मैं बड़ी बारिश का आवाज सुन रहा, तू जल्दी रथ जाकर गिर जाओ। नहीं आना अगर आहाब से परमेश्वर का दास बात नहीं करता, बादल मिट्टी पर बारिश नहीं होता। मेरे प्रिय भाई और बहनों सुन ले, बारिश को नीचे उतारने वाला परमेश्वर का दास का मुंह का वचन है, वचन है। फिर भी शैतान उसका विरोध करता, कुछ लोग कहते शैतान हमेशा बाधा है, शैतान विरोध करता, तू उसका वही नहीं है, उसका मित्र नहीं है, तू यीशु का मित्र है। शैतान विरोध करता क्योंकि वो वायु का बड़ा प्रिंस है, प्रभु है, बाइबल में लिखा है ना, पहले वायु को सब हटा के आसमान एक साफ करके रखा, नहीं इसका दास जाके देखता बादल में ही कितने कुछ लोग देखते सफेद बादल में दिखता है, काला गट्ठा नहीं दिखता है, नहीं परमेश्वर के दास नाराज नहीं होता, आसमान की ओर देखता भी नहीं। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कल रात को, मैं होता तो देख कर प्रभु 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 थोड़ा सा तो दिखाओ, खाली सा तो दिखाओ, देखेगा नहीं। आपने पवित्र आत्मा ने कह दिया बारिश होगा, बारिश होने के लिए बादल की जरूरत है करके वचन में नहीं मिटाएंगे। यस, दास को साथ बात करता, जाके देखना मैं भी बोलूंगा, आप भी बोलोगे, आप भी बोलोगे, वो तो ये ठीक नहीं होगा, अब वो हो गया है। अब मैं अपने मन में सब कुछ बोल दो, आपने देखा है, बोलो उसको, अब आगे बढ़ोगे, अब आशीष बनोगे, अब आशीष पाओगे। हालेलुया। सात बार कहने के लिए उसमें इतना Patience, जमा, धीरज, धीरज,
जब तक दूसरे ने विश्वास जाग नहीं उठता तब तक बेटे और बेटियां बात करते रहेंगे। बारिश तो बड़ा ही है, बारिश होगा। इतना ही नहीं, मुझे ये बहुत अच्छा, आप लोग को ये मालूम है, आप लोग तो इतने सन्डे स्कूल में सीखा है, इसके लिए आपको इससे बहुत ही एकदम छोटा बचपन की बात है। इतना ही है, जिस आहार से इतने महान भविष्य तक एलिय्याह ने प्राप्त किया, वह आहार के पास ये पहले से संदेह करने वाला दास जाएगा। अब बड़ा वचन है और कहेगा, निकल जाओ, बारिश होने वाला है, बोलते 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 तेरे दास, तेरे चुन, तेरे सवार बन जाएगा। राजा लोगों से बात करने पर अपने भूत मानेगा, यीशु के नाम में आने लगे। इसलिए बोलते हो बेटा वो वाला है, इसलिए नहीं बोलता, दूसरे काम करता नहीं है, उसके लिए नहीं संतान लोग तैयार किया जाएगा। फिर यहां के पास चलेंगे, मूसा के संग चल के आयु भी मुंह करेगा अब, और फिर से बात करेगा। हम आगे बढ़ते हैं, अभी हमने कहा जाना है दूसरी इतिहास नहीं है, क्रॉनिकल्स में जाना नहीं जाता कि अपना ऐसे किया राजा एजेकियल राजा नहीं है, मुंह खोलता। मुझे पता है कि असीरियन आर्मी जो है ना बहुत महान लोग हैं, बड़े बड़े आर्मी है उनका, बड़े बड़े उसकी सेना हथियार बहुत है, सारे देशों को सत्यानाश करकर आ रहा। हमारे पास ऐसा हथियार भी नहीं है, वीर शूर लोग भी नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन एक बात मैं साफ साफ कहूंगा, उनके पास बहुत कुछ है, लाखों लाखों मनुष्यों का बड़ा वीर भुज है, हमारे पास भी एक भुजा है, वो मांस का नहीं है, वो मांस का नहीं है। इसलिए डरो, प्रभु कहता मैं यरूशलेम से गर्जूंगा, वाणी सियोन से सुनाई देगा। ये अल्लाह का वचन, परमेश्वर ने एक दास को इतना दंडवंदन कर कहा, तेरा मुंह कितना भी काला क्यों ना हो, तेरा मुंह को बांधने का प्रयास कितने भी दुश्मन ने क्यों न किए हो, तुम अपने आप को कितना नीच और तुच्छ क्यों न समझते हो, लेकिन मेरे वाणी को छुपाने का क्या उसको अधिकार मैंने तुझको नहीं दिया है। Not to speak his word which burns within my heart, मेरे हृदय में जलने वाले वचन को रुखाने के लिए प्रभु ने मुझको अधिकार नहीं दिया है। It takes an Ezekiel, it takes a Moses, Amen. It takes a David, it takes an Isaiah, sorry, Elijah, to revive people, to strengthen people, to empower people, to embolden people. उसके लिए प्रभु आपको और मुझको पुत्र और पुत्री के रूप में बनाया है। सारे चीज पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं है, सारे घटनाएं है, मैं सारे चीज नहीं पढ़ता, मैं नहीं पास जाता। नहमिया कहता मिस्त्री तो नहीं है हमारे पास, राज मिस्त्री को तो मारोगे नहीं, मिस्त्री मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा भी है, हमारे पास कोई मिस्त्री नहीं है, नहीं है, हमें दीवार बनाने आता भी नहीं है, आता है क्या, नहीं आता, अच्छा पत्थर है वो भी नहीं है, सीमेंट भी नहीं है, तो क्या करोगे, अरे ये क्यों बनाना है, इधर जो धूल है जला हुआ पत्थर है ये सबसे हम बना लेंगे, अरे ऐसा बनाएगा तो उसको ऊपर कौन चढ़ेगा तो गिरेगा, लोमड़ी, उसको लोमड़ी बोला, लोमड़ी लोमड़ी दो बार बोलने की क्या जरूरत है, लोमड़ी चढ़ने से गिरेगा नहीं है, पानी आ रहा दिल्ला
പലതാണ് ഒരു കുറുക്കൻ കേറിയാൽ അത് വീഴും. ഈ കുറുക്കനല്ല, വേറെ കുറുക്കന്മാരുണ്ട്. ആ പറഞ്ഞടാ പറ്റത്തില്ല, ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചയച്ചത് ഇതിനു വേണ്ടിയാ. ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പണിതിരിക്കും. ഇപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവർ നിർമ്മിക്കലാത്ത പരമേശ്വരന്റെ ലോകത്തിൽ നമുക്കെത്തന राजधानी में इतने बड़ा नंबर थ्री कुछ है वो, इतने महान है वो, उसको क्या बड़ी है यहाँ आकर मजदूर की तरह सेवा करने के लिए. जिसकी सेवा तुम करते हो वो भी तेरा विरोध करे तो भी परमेश्वर का भजन अग्री समान तेरे हृदय में जलते रहोगे तो तू उड़कर बांधोगे. उसने कहा ये लड़ाई है. कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग लगते हैं ये प्रार्थना नहीं है, ये लड़ाई है. हमें ये तरसे वाली है, ये लड़ाई है. इसलिए नहीं ना कहते आओ हम लड़ते हैं, हम लड़ते हैं. किसके लिए लड़ते हैं? हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे संतानों के लिए हम लड़ेंगे. यस हालेलुया. उसके बाद एक सुंदर दृश्य देखा. इसरा आता, इसरा आता, इसरा के लिए कैसा ऊंचा मंच बनाया. जगह पे मैं गया, तुम्हारे पास्टर चुपचाप उनको कह रहा था ये गायक लोगों के लिए और ये वाद बजाने वाले के लिए लोग इतने जगह देता है, वचन बोलने वालों के कोने में बिठाए. आज के लिए होता यहां अच्छे बोलने वाले के लिए सब पाते लोगों से ऊंचा मंडप है. जहां बच्चे का आदर किया जाता वहां लोग आशीष पाता. वचन सुनाने वाले के लिए जो मंच बनाया सबसे ऊंचा है, वचन सुनाता सब लोग खड़े हैं. घंटों तक खड़े लिखा है, घंटों तक खड़े हैं. अब हर एक वचन की व्याख्या हो रहा है और हर वचन के लिए लोग आते हैं. यस, ऐसी कलीसिया धन्य है, ऐसी कलीसिया धन्य है, ऐसी कलीसिया धन्य है. हर वचन के लिए आने करने वाला कलीसिया धन्य है. आज सुबह हाथ उठा हमारी गलतियां कबूल करते हुए झुकते हैं, पश्चाताप करते हैं, हरे वचन के सामने अपने आप को झुकाते हैं. ऐसी कलीसिया आशीर्वादित है. इसके लिए वचन बोलोगे, इसके लिए वचन सुनाओगे, इसलिए वचन सुनोगे. भैया पानी बैठता वहां नहीं जाना. अयुब, अयुब क्या कहे? अयुब की बीवी बड़े सलाह करती है. इतना सब हो गया नहीं अयुब, एक काम कर, रुक के मर. रुक के क्यों मरना? क्योंकि वो फांसी पर अपने आप को लटका है, उसको ताकत नहीं है. सामने पार दिला, उसको बच्चा दिला, स्टूल नहीं है, कुछ नहीं है. तो ऐसे परवाह करके जा, तू आ गई मर जा. कहते पगली ऐसे सलाह को तिरस्कार करो, मुंह खोल कर, मुंह खोल कर तिरस्कार करो. अगर कोई भी कर हो आप नहीं स्वीकार करोगे. अगर नहीं से अगर रात है तो भी नहीं स्वीकार करोगे, पति है पत्नी है तो भी नहीं स्वीकार करोगे. परमेश्वर की आत्मा की वाणी मेरे मुंह से निकलेगा. अरे पिता अगर प्रभु की आशा है up.
खत्म। आप लोग बोले तो बहुत ज्यादा वचन है, बहुत सारा समय ले गए, धीरे धीरे के पास आया तो आपका खत्म। यहूदी युवक लोग है भैया, निर्णय सुनो, हम अपने आप को अशुद्ध नहीं, मेरे लोगों को उपाय सिखाया था, अगर उसमें एक मैं होता तो मैं वो सारा आहार लेता और उसमें अच्छा रहे, अच्छा लेकर चावल खाता और बाकी सब जो मांस मीट है ना चुपचाप जाके कचरा बमे डाल देता। आज ये उपाय सीखना है, मेरे बेटी से बात करो, उसका अच्छे से मालूम है, बचपन से ही बनती थी, तो आप उससे बात करो, वो सिखाएगा कैसे दिखाने का क्या आहार खा रहे और बाद में जाके कैसे कचरा बमे डाल देते, ये उसको बात मैंने नहीं सिखाया, ऐसे बहुत सारे चीज उसने सीखी तो ये है, ऐसा नहीं करता। लेकिन ये लोग ये लोग चुपचाप रहस्य के चेहरा देखे बनेंगे, प्रकट करूंगा मेरी मानते मेरी मानते हमें प्रकट में सारे लोगों के सामने करूंगा, पूरा करूंगा। उन्होंने कहा नहीं कहता है आप परमेश्वर के संतान है, लेकिन राजा बुलाकर पूछता तुम लोग ऐसा क्यों करता, तुम लोग मेरी आत्मा का पालन क्यों नहीं करते, बोलते तुमको उत्तर देने की कोई जरूरी नहीं है, उत्तर देगा वहां मैं उत्तर दूंगा, कान पर के सुन लो राजा, हमारा परमेश्वर जिसकी उपासना हम करते हैं हमें चुड़ाने के लिए सदा सर्वदा सामर्थ्य है, अगर उसका निर्णय कुछ और है तो भी मैं तो सोचो मैं झुकूंगा। परमेश्वर दास को कहता है तुम बोलोगे क्या बोलोगे, लौकिक तो बोलूंगा, सिर्फ शब्दों से बात करूंगा नहीं, सिर्फ परिवार के लोगों को बात करेगा, परमेश्वर के मार्ग से हटकर भड़कने वाले से तुम बात करोगे, आप किसके लिए बात करेगा, सिर्फ आराधना कराने के लिए
सिर शैतान को डालने के लिए, सिर बंधन तोड़ने के लिए, लोगों को मार्ग दिखाने के लिए, वो बर्फ की मार है, वो वापस आने के लिए आपकी शक्ति की जरूरत है, आपकी शक्ति की जरूरत है, आपकी शक्ति की जरूरत है। भारत का कार्य प्रभु ने किया एक बार, इसलिए कि जब लोग मिटने तक था प्रभु सुनने वाला नहीं था। जब ये बात मुझे पहला लगे मैं नहीं बोल सकता, कम टाइम भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है। प्रभु सुनने वाला नहीं था। कई बार प्रभु अपना मुंह बंद कर नहीं सुनने का पूरा निर्णय लेकर बैठा। एक हारून, एक मूसा, एक समूह उसको दर पर दिखता था। आप समझा रहे हैं? दर पर दिखता था, दर पर दिखता था। तो पवित्र आत्मा दोबारा पीछे पड़ता, निर्बंध से किसी को चुना नहीं सकता, लेकिन पवित्र आत्मा पीछे पड़ता। मेरे व्यक्ति को ऐसे जानता 35 बरस ऐसे व्यक्ति के पीछे पवित्र आत्मा पढ़ते रहा। परमेश्वर ने कहा कि अभी उसके लिए प्रार्थना नहीं करना है अनेक संतों के द्वारा, लेकिन पवित्र आत्मा उसके पीछे ऐसे पढ़ते रहा। एक दिन वैसे पश्चाताप की गहराई वो प्रभु को सिखाया। मेरे जीवन की सुंदर स्मरणा में सबसे महान स्मरण वो है। वो व्यक्ति के जो समाधान के साथ पागल की तरह उसके संतान लोग बहुत आनंद से गीत गाते प्रभु को स्तुति में उत्सव मनाया। लोगों को अच्छा नहीं लगा, लोग बोले ये लोग कैसे लोग हैं। ऐसे एक व्यक्ति का मृत्यु हुआ काल में कुमार ये लोग नाचता है, इसलिए कि प्रभु जय पाया। आप बोलोगे लोग लौटेंगे, आप बोलोगे लोग स्थिर किया जाएगा, आप बोलोगे आपकी आत्मा आपका प्राण स्थिर किया जाएगा, आनंद हो जाएगा। आप अपने आप से बात करोगे, अपने लोगों से बात करोगे। आप नहीं आए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना कहता मेघावास रेगिस्तान में मेघावास में अकेला हो लेकिन मेघावास परमेश्वर की वाणी बनना। कभी कभी आप चेला होता है लेकिन वाणी बन के रहोगे। मैं एक आवाज रेगिस्तान में से आ रहा, अकेला आ रहा, मैं परमेश्वर के लिए यीशु के लिए मार्ग बनाने वाला। ऐसे मार्ग बनाओगे मेरे मुंह के शब्द से मैं बोलूंगा। अबे बाकी आप पढ़ो, मैं बोलूंगा। मैंने एक बात सीख लिया आज के बाद किशन नगर में सीखा, जब ये बच्चे मेरे सामने आया प्रभु कहता अगर मेरे लिए मार्ग बनाने के लिए कोई मुंह नहीं खोलता तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। कलीसिया में इसलिए बोलने की जरूरत है, परिवार में मुंह खोलने की जरूरत है, समाज में मुंह खोलने की जरूरत है। प्रभु आगे नहीं बढ़ सकता आवाज मैं बोलूंगा आप बोलेगा ताकि परमेश्वर के लिए आसान से मार्ग बन जाए कि वो कार्य कर सके। आप मार्ग खोलेंगे प्रभु को आगे बढ़ने के लिए। समझ में आया नहीं तो उसको गलत समझो और बोलो कि ये गलत बात कर रहा है, हम आगे बढ़ता है। हमें नौवे में क्या लिखा है? क्योंकि वह अपने मन में कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। ये है वो औरत, यस, 12 बरस से ब्लड कैंसर जो भी है उसे पीड़ित है। यीशु के वस्त्र को छुएगा तो सब लोग गीत गाते चंगा ही पाएगा, मैं कहते नहीं पाएगा। अरे यीशु के वस्त्र जो मैं चक्का ही पाएगा तो सब लोग उसे चिपक कर चलते थे। अरे मैं उसे
उसने कहा, उसने ये कहा, इसलिए मेरे वचन से सीखा परमेश्वर ऐसे पूछते हैं नहीं है, अब उसमें ही पढ़ते हैं नहीं उसमें ही है ना। आगे बढ़ कर क्या है तो दस में क्या है, 27-28 क्या है, जो मैं तुमसे उजियारे में कहता हूं उसे तुम उजियारे में कहो। हाँ, अगर बोलना है तो सुनना, सुनना सुनते कहा दिया है। The darkness in my life was an appointment with my blessed Lord. मेरे जीवन के अंधकार की गई प्रभु के हृदय बांटने का अवसर था, सब इश्यू से संपर्क के लाइफ सॉन्ग। कुछ लोग उसको नष्ट करते हैं, कुछ लोग उसका पूरा पूरा लाभ उठाता है। परमेश्वर का दास कहता ताकि मैं तेरा वचन को पूरा पूरा ग्रहण करूं, उसके लिए कष्ट की अवस्था मेरे जीवन में आया, अच्छा हुआ ऐसा कहता। आई विल नॉट फॉरगेट माय सोर्स, मैं मेरे दुख की घड़ी को नष्ट होने लगी चिपकूंगा। चिपकने का समय है वो, प्रभु के हृदय की गहराई के बात जानने का समय है वो। अंधकार की गली को मैं नष्ट होने नहीं दूंगा। जो अध्याय में सुनते हो वो पब्लिक में बोल सकता है, इसलिए कुछ लोगों को बड़ी हिम्मत है, लोग नहीं सुने तो भी हिम्मत है। ये दुनिया में वो सब बात आपने पढ़ा नहीं, हम आगे बढ़ के आए, आज इधर पढ़ा था नहीं है, अब क्यों नहीं पढ़ा, आप लोगों ने याद नहीं दिला इसके लिए। यिर्मयाह को कहते नहीं बोलना तो शिशु है, नहीं बोलना कि ये तेरा उम्र नहीं है, नहीं बोलना नहीं है, इसलिए कि मेरे मेरे वचन अंतरतम सब तेरे हृदय में डाल के रखा, तुझे बोलना होगा। If you are doing it, if you are not doing it, you are forcing me, and you are frustrating my plans. अगर तुम बात नहीं करोगे तो तू मेरा विरोध करता है, क्योंकि वचन मैंने तेरे हृदय में इसलिए डाला कि तेरा मुंह से वो बाहर आए। यिर्मयाह कहते मैं नहीं बोलूंगा, कोई मेरा आदर नहीं करता। यिर्मयाह के साथ क्या क्या हुआ बचपन पर पढ़ते हो ना, उसको बांधा, उसका नंगा होने पड़ा, उसका इसे टीचर में डाला, उसको क्या 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 दिया, कुआं में उतार दिया, तो बेचारा को बहुत कुछ सहना पड़ा। बोलता अभी मैं बोलूंगा, मैं वचन सुनूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मेरे कमरे में बैठकर आराधना करूंगा, बहुत हो गया, मेरा कौन सुनता है। एलिय्याह ने भी कहा है मैं इतना अच्छा इंसान नहीं है, एलिय्याह ने जो कहा वही सब मुझे अच्छा लगता है, मैं भी कहता मैं इतना अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन एलिय्याह क्या कहता, मेरी परमेश्वर एक बात में तुझको बताता, मैं हर समय ऐसा डिसीजन लेता लेकिन तेरा वचन जो है ना अभी समान चल रहा है, ऐसे लोग चुप नहीं बैठ सकता है, ऐसे लोग चुप नहीं बैठ सकता, वचन जो समान है मार्गदर्शक बनेगा यीशु के नाम में। आमेन आमेन। यहां मैंने कहा था मैं मती में था ना, और यीशु इसलिए कभी कभी पूछता, एक मनुष्य था अंधे लोग नहीं तो अंधे लोग बात कर रहा है, मैंने नहीं हमने उसको पहले बहुत पूछे, यीशु कहता कोई भी ऐसा नॉट ए केयरलेस वर्ड फ्रॉम योर माउथ, नहीं है ऐसा कुछ बात नहीं तुम्हारा मुंह से निकलना, नहीं वो भी प्रभु कहता ऐसे से बात नहीं करना। अब यह मत्ती इधर का मत्ती में आ गया, इधर का मत्ती में क्या था, यीशु पूछता लोग मेरे बारे में
क्या कहता है, लोग कुछ भी कहे जो कहना, लेकिन तुम्हारा मुझसे निकलना चाहिए। Who am I to you? Let it come out of your mouth, says the Lord. Tell him who he is to you. Amen. Let me have him charge hearing it. Amen. And the prayer, and the question, and the question, and the question, and the prayer, and the prayer, I want to make sure that he knows me fully well. Amen. What a time in the wild of the world. परमेश्वर का एक लव का फिरता है, प्रभु कितना खुश है। क्या प्रभु के मालूम नहीं चाहिए? कुछ लोग कहता है अन्य भाषा बोलने वाले परमेश्वर के वेद को मैं उल्टा इस वचन में लिखा स्पीक टू मिस्ट्री सकता हूं, तो ये झंडा उड़ाने वाले लोग दुनिया में बोलता है, तो ये विश्वास नहीं करने वाले लोग दुनिया में बोलता है, तो ब्रदरगंज का लोग सब ये विश्वास नहीं करता। तो वो लोग पूछता है परमेश्वर को कौन सी बात नहीं मालूम कि उसके लिए ये बड़ा मिस्ट्री है, अब अन्य भाषा में उसको समझाते क्या बेवकूफी की बात है। यू विल डिस्कस मिस्ट्रीज विद द लॉर्ड, प्रभु के साथ अब बातचीत करोगे, गहरी बात है, गहरी बात का वाद्य भाषा में होता। कुछ लोग अनेक तरह की भाषा बोलता है, मुझे अच्छा लगता है, मेरे पास इतनी सब भाषा नहीं है, अरे मुझे लगता था कुछ अच्छा भाषा में बोल रहे हैं, आजकल जो बोलता हूं पता है कुछ अनाड़ी लोगों की तरह। पहली बार मेरे जीवन में आपको बात नहीं एक ही सिलेबल आया, मेरे जीवन में ऐसा नहीं हुआ, मैं वो सिलेबल सुन के पहले हंस करता क्योंकि हमारे घर में कुछ परमेश्वर की दासियां आती थी, वो लोग पहले भाषा कैसे बोलते बोलते तो मैं हंसता था, ये आज भाषा है। पहली बार मेरे जीवन में आज ऐसा अनुभव हुआ, एक ही सिलेबल बार 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 बोल क्या रहा मतलब उसको क्या हो रहा है। प्रभु की आत्मा ने मुझे समझाया दिस आर थिंग्स अनअटरेबल, दिस आर मिस्ट्रीज। पौलुस ने कहा ना जो बात बताया नहीं जा सकता, अनअटरेबल थिंग्स, अनअटरेबल थिंग्स, अनअटरेबल थिंग्स। मेरे प्रिय चलो एक ही सिले बड़े आप उसको तुच्छी ना मानो, आपका सब आपका मुंह से ला 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 सब तो बोलते रहो, वो सत्य की कोई कीमत नहीं है, सत्य की कोई कीमत नहीं है, भाषा की कोई कीमत नहीं है। पत्रस ने कहा, जब पत्रस ने कहा प्रभु कर दिया आप में बात सकता, आप में मेरी कलीसिया को बात सकता, ऐसा कहा मेरा और आपका मुंह बंद किया तब कहता है हमने, इसलिए बात का बंद है, ऐसा ना हो सही शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलने के कारण, सही बात कलीसिया नहीं करने के कारण, सही बात मत कलीसिया के मुंह से नहीं निकलने के कारण, अंधे लोग से
उसका हिस्से सवाल करता, मुझे भी नहीं अच्छा लगता। अंदर चुप ही था ना, चिल्ला चिल्ला कर बोला बोलता है, परशु दाऊद के सरदार हमारे ऊपर दया कर। नहीं, बाकी लोगों ने हमको पैसा दिया है, जाते वक्त अनेक यहूदी लोग गरीबों को देता कुछ, भिखारियों को, क्योंकि स्वर्ग जाना है ना उसके लिए, पैसे कोई स्वर्गों को जाना ना उनको बढ़ते वो देते हो स्वर्ग जाने के लिए। तो ये लोग दो बार चिल्लाए, एक बार चिल्ला के कहा दया कर बोला नहीं है, तो लोगों ने चुप बिठाया। कैसे चुप बिठाएगा एक भिखारी को, कैसे चुप बिठा सकता बोलो। अच्छा कैसा पैसा देना यार, सब लोग 10 पैसा देते, आप 10 रुपया देना चुप हो जाएगा। वही किया और जोर से चिल्ला, फिर भी यीशु तृप्त नहीं आया। यीशु बोलते तू क्या चाहता, ये पैसा पैसा मांगने के लिए मेरे पास मत आया, तुझे घर पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोग मिलेगा, तेरे दुनिया से मिलने वाले चीज के लिए मेरे पास नहीं आना, तुझे सुन के ये बात चाहिए, तो तेरा मुंह से निकल, तेरा मुंह से निकल ले दे, तेरा मुंह से निकल ले दे। अंतिम बार बीमार है उसको भी मैं पूछूंगा अबे, क्योंकि तेरा मुंह से अभी तक एक शब्द नहीं निकला, शैतान ने नहीं सुना, स्वर्ग दूतों ने नहीं सुना, परमेश्वर ने नहीं सुना, तो मेरे जरूर करता, तेरा मुंह से निकल ले दे अबे, बोलो उसको बोलो, मैं चंदा नहीं पाऊंगा। मुझे बच्चे मेरे पास सुनते मुझे बहुत अच्छा लगता, वो तुलसी से जब मैं हमेशा होता उन्होंने कहता बिल्कुल मुझे चंगा कर ताकि मैं चंगा हो जाऊं, तू मुझे लौटा ताकि मैं लौटा हो। मुझे प्रार्थना बहुत अच्छा लगता, मैं बार बार करता प्रभु तू मुझे लौटा ताकि मैं लौटा हो, तू मुझे चंगा कर ताकि मैं चंगा हो जाऊं। बोलो सुन को बोलो, आज ऊंचाई का परमेश्वर से ऊंचाई की बात करो, ऐसे महान बात कहो, उसके पीछे मत जाओ, यीशु से बात करो, इसलिए मैं बात करूंगा, इसलिए मैं मुंह खोलूंगा, अभी ऊंचाई की बात करूंगा, उन्नत वाली अच्छी क्यों नौ तक तुम अच्छी की नौ तीन दिन भी तुम दिन के आने के लिए तुम बेटा हो। हम जाता लोगों को, अमेरिका लोगों को देखता है, उन्होंने यीशु को कोई चाहे इसलिए वो सदा चिल्लाता है, यीशु शिष्यों को आशीर्वाद करता था। नहीं है अब ये शिष्य आके उसके नीचे करके गड़ा लिया, उन्होंने राजा को पहचान, राजा को पहचाना, मुंह खुल गया। अगर मेरा मुंह बंद है इसलिए है कि मेरे मेरा राज्य को नहीं पहचाना, राज्य को जो पहचान पूरे राज्य का कोष है, राज्य का ललकार है, शहर गिर गया। कितने बार यीशु पहले यरूशलेम में आ जाता, शहर नहीं गिर गया, जब मेरे मुंह खोला, ये बालकों का मुंह खोलकर सही शब्द निकला, तू राज्य है, परमेश्वर के नाम पे आने वाला राजा तू है, तू हमें बचाएगा, तू हमें छुड़ाएगा, तू हमें उद्धार देगा, तू मसीहा है। तब तब उठा शहर गिरेगा, अबे प्रभु उसका खाली करेगा। उसमें 31 भी एक वचन है, बना गया आप पढ़ो, पढ़ो, मुझे इतना पेशेंस नहीं है, धीरे चलिए धीरे आपके पास चलिए। 27 में 35 करके वचन है तो पढ़ सकते हैं भाई, तो पढ़ो नहीं है 25 नहीं 27 में तो वह बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उससे पहनाए, बस इतना ही है, और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले, बस इतना ही है। मुझे उससे ऐसे पढ़ने के लिए तो लिखा रखा है, इसलिए कि वो क्या क्या बातें कहा,
यीशु अपना मुंह बंद किया ऐसा प्रभु का वचन में है, लेकिन क्रूस से उसने चिल्लाया, आमेन, क्रूस से उसने चिल्लाया। ये बात आपने पहले सुना, इसके लिए बोलने की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर, यही नहीं चाहता। ये चिल्ला चिल्ला कर कहा, सब कुछ पूरा किया गया, सब कुछ पूरा किया गया। हालेलुया, परमेश्वर का पुत्र, पुत्र होने के कारण क्रूस पर कैसे भी सही बात करता है। ऐसी अवस्था में भी आप पुत्र के समान, पुत्री के समान मुंह खोलोगे, आप दूसरी को नहीं दिखा है, आपको लगता है कि खत्म ही नहीं होगा, मैं विश्वास किया इसलिए बात करता। दूसरा मुझे पता था ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो ऐसे से हो जाते, मैं कितना गलती करता। तो आप यहां आते हैं, गलती में आकर कहता है कि मैंने विश्वास किया इसलिए बात किया। क्यों बात करते हो आप? विश्वास किया, परमेश्वर ने जो वाणी सुनाया, भविष्यकर्ता ने जो बात सुनाया, चरवाहा ने जो बात सुनाया, उसके ऊपर विश्वास कर वही बात आप करोगे तो आहाब के पास जाकर, इतने बड़े राजा के पास जाकर, जैसा वो नौकर ने मुंह पर कहता है निकल जाओ, बात साफ होने पर आप ही कहोगे। आमेन। याकूब एक गंभीर बात कहता, इतना जल्दी वहां जाने का नहीं था, फिर भी नहीं कहता। याकूब कहता, अगर आप सिद्ध मनुष्य हैं, वो जानने के लिए एक के सबूत चाहिए, आपकी बोलती सही है, स्पीच, स्पीच को क्या नहीं बोलती, आपकी बोलती सही है, तब सिद्ध मनुष्य है। The sign of perfection is the quality of your speech. जो शब्द मुझसे निकलता उससे ये साबित किया जाता कि आप सिद्धता पाया है या नहीं है। A perfect saint will be known by the words he speaks. एक सिद्ध मनुष्य के मुंह से जो शब्द निकलता उसके आधार पर आप यकीन से कह सकता ये सिद्धता पाया हुआ मनुष्य है। Words are not mere words. When a son of God, a daughter of God speaks them, ये परमेश्वर का, परमेश्वर की बेटी या परमेश्वर का बेटा बात करता, वो एक साधारण बात नहीं होता। प्रेरितों का हमने कुछ पीछे बात छोड़ा था, नहीं कोई बात नहीं, वो तो पत्रस की बात है। पत्रस यू है ना, नहीं है मंदिर में आते, नहीं लिखा होगा, लिखा भी होगा पता नहीं, पत्रस यू है ना मंदिर में आता है, लोग चिल्लाते उसे पैसा मांगता है, लिखा पैसा मांगता है, बोलो ना दुनिया को हम इसके लिए नहीं आया, प्रभु ने हमें उसके लिए नहीं भेजा, जिधर जिधर तक भिखारी लोग उसको सब ढूंढ के उसको पैसा देने के लिए प्रभु ने हमको नहीं बुलाया, प्रभु ने कहा ये लोग अंत तक आए लोग, तो उसकी सहायता मत करो, ऐसे मैंने नहीं कहा। That is not my priority in my life. That is not my lookout. When I walk ahead, I'm not looking for some poor man somewhere begging. Yeah. I'm looking for God's guidance. Wherever he goes, I will go. Whatever he asks me to speak, I will speak. ऐसा प्रभु को बच्चे में तुम जाओगे, जहाँ मैं तुझे भेजेगा वहाँ तुम जाओगे, ये मेरे को कहता। जो और जो आज्ञा मैं तुझे दूंगा, वही तुम बोलोगे। नहीं है? पत्रस कहते हैं आप बेकार में आपका समय और हमारा समय व्यर्थ मत करो, आश्रियत में अनुग्रह चाहते हो या की तरह आश्रियत में अनुग्रह चाहते हो, आप चक्रे आए सोना चांदी नहीं, आप चक्रे सोना चांदी नहीं, वी डोंट नो गोल्ड कॉइंस, वी डोंट नो सिल्वर कॉइंस, पर ही है जीसस। आमेन। चाहिए तो हाथ बढ़ा, हाथ बढ़ा, पत्रस ने उसका हाथ को पकड़ा। When you speak, God will possibly stretch forth your arm to help you back. You will lift up many. You and I, when you speak the right word, heaven's right hand will be stretched forth so as to be your arm, which will lift many a fallen man and a fallen woman. Yeshu ke naam mein. Yeshu ke naam mein. Main kisi bhi
एफएससी में कहते आप बात करोगे, आप बात करेंगे, आप परफेक्ट नहीं हो तभी बात करोगे, आप सिद्ध ना रही पाए तभी बात करोगे। किससे बात करेगा? एक दूसरे से बात करेगा। अगर एक दूसरे को सिखाएगा, बात करे मुझको सिखाने वाला प्रभु का वचन कहते हैं प्रभु के हाथ में तुझ में है। प्रभु का वचन तुम्हारे भीतर जल रहा है, एक दूसरे को अपनाओगे। प्रभु ने कहा पतरस का मुंह से सही शब्द निकला तो मेहमान कब करूंगा। आज कलीसिया में एक दूसरे के मुंह से अरे उसका गलती, इसका गलती, उसका ग्राउंड, वो सब छोड़ो ना यार, कितना बात करोगे उसके ऊपर। हालेलुया, ऐसे बात करो हिम्मत को मेरे मुंह पे आकर कहो। आपको हिम्मत होना चाहिए, मैं भी आपके बोलूंगा हालेलुया। ये शैतान का काम है, ये बोलूंगा ये गलत बात है, ये वचन के विरोध में। आप उससे कहो मैं आपको बोलूंगा और एक दूसरे को ठीक कर दूंगा और वचन का मंदिर भांति दिया जाएगा। ये सुंदर मंदिर, ये परफेक्ट मंदिर, इन ऑफिस इन जीसस से स्पीक टॉक टू बिल्ड ईच अदर। किसके लिए क्या करना चाहिए? पड़ोसी बेटा उसके लिए लेट द वर्ड ऑफ गॉड रिचली ड्वेल इन योर हार्ट्स। दूसरा कोई भाई पहले वो बात नहीं कहता था कि आज मैं भी बोलना शुरू किया। मैं कभी लोगों को नहीं कहता था कि आप वचन पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं नियमबंदी रोक कर आपसे कहता आप जरूर वचन पढ़ोगे। लेट द वर्ड ऑफ गॉड रिचली ड्वेल इन योर हार्ट्स। 15 अध्याय मत पढ़ो, पढ़ना तो पढ़ो। 6 अध्याय मत पढ़ो, पढ़ना तो पढ़ो। कुछ लोगों में ये स्टैमिना है, इतना अध्याय पढ़ा, अध्याय तो मैं भी पढ़ सकता हूँ, उसमें फायदा नहीं है। एक ही वचन पढ़ेगा चलेगा। प्रभु की वाणी सुनो, प्रभु के हृदय से सुनो, वो वचन लेके घूमो। लेट इट बोर्न विद इन योर हार्ट, लेट द वर्ड बोर्न विद इन योर हार्ट, let the word echo and re-echo in your heart. Amen. Till such time that you can hold it no longer. Amen. I saw a bandha de, bandha de, bandha de. Amen. We saw a bottle calling it to Baharaya. I saw the bush in Baharaya. And he knew all of us is falling. Yes, you can have it. Amen. Amen. Proclaim it. Proclaim it. Proclaim it. Double. परमेश्वर के लिए 14 में पढ़ो, एक वचन करो 14 3 2 6 पढ़ो, 3 2 6 पढ़ो। और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण हम करोगे। जब परमेश्वर के दास दासी जब वचन लेकर खड़े हो जाता उसका मुंह से ऐसी बात निकले। आमेन। सच डीप थिंग्स ऑफ गॉड, such mysteries of God, परमेश्वर के वचन की गहराई, परमेश्वर के वचन का भेद, परमेश्वर के दासों को मुंह से निकलने के लिए आप प्रार्थना करो। सारे बच्चे खत्म होने खत्म, ये बात बहुत सारे बताने की जरूरत नहीं। आप चाहते और प्रकाशित वचन भी पढ़ता है, वह लिखा है प्रकाशित वचन 12:11 में पढ़ते हैं, जिन्होंने जीत लिया, किसने जीत लिया? परमेश्वर के बेटे बेटियां जीत लिया। कैसे जीत लिया? यीशु के लहू और अपने प्रभावी का वचन के कारण। वे मेमने के लहू के कारण और उसकी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। मेरे मुंह से निकलने वाले वचन से अकेला नहीं जय पाता। मेरे मुंह से निकलने वाला वचन और मेमने का लहू, मेमने का लहू
मेरे का लहू, मेरे का लहू क्या करता थी? इब्रानी में मरता, 12 अध्याय में पढ़ता, 24वां वचन ऐसे मुझे लगता और टंका निकलेगा, हालेलुया, नाराजी को हटाने वाला वचन निकलेगा, आशा जगा